7 एक्शन। लेकिन सुप्रिया जी, एक गंभीर सवाल है और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की रणनीति आखिर है क्या? सीट शेयरिंग की फाइल अभी तक लटकी हुई है, जो आपको, आप लोगों ने खुद ही बताया था कि दिसंबर तक एंड में हम डेडलाइन उसकी खत्म कर लेंगे। राहुल गांधी भारत त्याग यात्रा पर निकल गए हैं, वहां वो कहते हैं 22 जनवरी को बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। दो सवाल हैं आपसे। सवाल पहला नंबर यही कि सीट शेयरिंग, इंडिया गठबंधन शायद सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी हैट्रिक से रोकने के लिए, लेकिन उसमें फाइल आगे बढ़ नहीं रही है। दूसरा सवाल है कि किस बिसात पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि राम और राम मंदिर से जो हिंदू वोटर है, वो लहर जो इस वक्त राम के नाम पर चल रही है, हिंदू वोटर उस लहर से अछूता रह जाएगा और 2024 में वो वोट डालेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपको नमस्कार अंजना जी, और हाँ बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। आप बाहर हैं और हम लोग स्टूडियो में हैं। मैं ट्रैफिक की वजह से और शायद सुधांशु जी किसी और कार्यक्रम में थे और यहाँ आए। मैं दो बातें कहूंगी। बात रामराज से शुरू करते हैं ना, आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहाँ पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर GST है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो, तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही, हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? दिस इज बिजनेस। असलियत ये है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दंभ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है, शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम सो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे, हम ये चीजें नहीं खाते। 9.5% फूड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन आधा हो गया है, मतलब लोग उपभोग कम कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। लोग परेशान हैं महिला अपराध से। IIT BHU में अगर आपके गुर्गे पकड़े जाते हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आप बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने आप कैसे सिर झुका के खड़े होते हैं? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं, वो राम तो सबके हैं, कोई आपकी ना बपौती है ना आपका अधिपत्य है राम पर। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका मैं दो टूक जवाब देने से पहले एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं। आपने राहुल गांधी जी की 2 बाइट चलाई, उसका साधुवाद, लेकिन जो बाइट उन्होंने कही, जिसका संदर्भ आपने बोला, लेकिन वो बाइट नहीं चली, वो बाइट थी धर्म को लेकर। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, मैं धर्म के मूल्यों पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, उससे फायदा नहीं उठाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। आपके सीधे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देना चाहती हूं। आज जनवरी की 16 तारीख हो गई और असलियत यह है कि गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है, ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूंगी, और कभी भी टिकट 4-5-6 महीने पहले अनाउंस नहीं होता है। तो जब टिकट अनाउंस होने होंगे लोगों के, हो जाएंगे। फाइल कोई अटकी नहीं है, फाइल एक ही है और वो फाइल किताबी है, क्योंकि जो दावे हैं वो सब नकली हैं और वो सरकार की प्रोग्रेस की, सरकार की नाकामियों की एक लंबी फेहरिस्त की फाइल है। ये लोग समझते हैं और ये लोग बूझते और जानते भी हैं। करवाली बेइज्जती। आज के समय में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है G20 कंट्री में जहां महंगाई हमसे ज्यादा हो।
जहां पे महंगाई की दर हमसे कम हो और विकास की दर हमसे ज्यादा हो, तो हम महंगाई और विकास की दर में इस समय वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, इन्होंने कहा कंजम्पशन कम हो रहा है, तो अभी अभी का डाटा है कि पिछले साल में भारतीयों में 41 लाख फोर व्हीलर्स खरीदे, 41 लाख, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। हवाई यात्रा में भारी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन कम होता दिखाई पड़ रहा है। और जो मकान खरीदे गए पिछली बार की तुलना में वो 24% ज्यादा है, सामान्य मकान, जो लग्जरी मकान कहते हैं कि जिनकी 1.5-2 करोड़ से ऊपर की कीमत होती है, उसमें 31% की वृद्धि हुई है। मजा नहीं आ रहा है। अंजना जी मुझे 5 सेकंड बोलने का मौका दीजिए, 2.5 मिनट बोले और हमेशा जी कहे झूठ बोला। ठीक है इसका जवाब दे दीजिए। 5 सेकंड का बस मौका दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलूंगी। क्या कहा, कारें ज्यादा खरीदी जा रही है, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। आईटीसी और एचयूएल 2 FMCG कंपनी है। मंजन तेल साबुन जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा रहा है। कंजम्पशन का मानक FMCG होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। और मैं एक बात और कह दूं, असलियत यह है कि देश के लोगों को देश के देखने के बजाय, भारतीयों की तरह देखने के बजाय आप विभाजित करते रहे। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है। सरकार का ही डेटा ये कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ने इस तरह से चरमरा गई कि रियल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर चुकी है और महंगाई जो है वो 6% के आसपास है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था, अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त, आंकड़े कोट करते वक्त थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी अगर बात करी जाए तो अच्छा रहेगा। गजब बेइज्जती है। कौन सा दबाव है अखिलेश जी, कौन से दबाव की बात कर रहे हैं? यानी आप लोग भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आशुतोष जी कि बीजेपी के इशारे पर मायावती जी काम कर रही हैं, यही कहने का अर्थ है ना उनका कि किसी दबाव में वो ऐसा मुझे गिरगिट कह रही हैं? चल झूठा जी। अंजना जी देखिए अंजना जी, बात तो सच है कि 2019 में हम लोगों ने सारी चीजें छोड़ के एक बड़े गठबंधन के लिए एक मायावती जी के साथ में आए थे। और अभी कुछ दिन पहले भी जब ये बात बार बार आ रही थी कि बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आएंगी, और ये कहीं से ये मीडिया में लीक किया गया, कि सूत्रों से बताया गया कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, तब भी हमने खंडन किया कि ऐसे कोई सूत्र नहीं है और वो बड़ी नेता हैं देश की, उनका सम्मान करना चाहिए। ये उनका आने का फैसला इंडिया गठबंधन में निजी फैसला है, हमने कभी विरोध नहीं किया। और हम चाहते थे कि एक बड़ी शक्ति बहुजनों की इस देश में आए और इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर एक बहुजन जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या ऐसा हो जाता है कि जब 2014 में आप अकेले लड़ी थी, आपके पास 0 सीटें थी और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद आपकी सीटें बढ़ के 10 हो गई। आज मलूक नागर साहब बैठे हुए हैं, उसमें समाजवादी वोट भी है, उसमें BSP का भी वोट भी है। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि ठीक 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो नाराज होकर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया? हमसे तो पूछा भी नहीं क्या बात होगी। और उस दिन से लेके आज तक समाजवादी पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति ने बहन जी के खिलाफ ना या कभी कुछ बोला है, ना कोई गलत शब्द उतारे हैं। और आज भी हम कहते हैं कि आप किसके दबाव में बोल रही हैं, आप किसके दबाव में नहीं बोल रही हैं, हम आपका उतना ही सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि बहुजन की ताकत इस देश की सबसे ऊंची गद्दी पे पहुंचे और समाजवादी पार्टी इसके लिए प्रयासरत रहेगी अपने आखिरी समय तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तो होता भरोसा नहीं है। सुप्रिया जी ठीक है, एक बार सुप्रिया जी बोल ले फिर आ रही हूँ। मलुक जी आशुतोष जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार सुप्रिया जी का रिएक्शन आ जाए उसके बाद से आप लोगों के पास। अब सवाल तो यही है ना सुप्रिया जी, क्योंकि आपने बिजनेस भी कवर किया है एज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिक्स भी जानती हैं आप, और अब तो खैर पॉलिटिकल पार्टी के ही साथ हैं। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता निकलेगा, लेकिन इसी लखनऊ में अगर मामला त्रिकोणीय हो गया तो फिर ये इंडिया सीट शेयरिंग ये सब तो होता ही रहेगा। पश्चिम बंगाल में वैसे ही कांग्रेस के बहुत स्टेक्स नहीं है, ममता जी 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है, वहां पे मुश्किल ही आप लोगों के लिए। अब सवाल ये है कि 80 सीटें यहां पर मायावती अगर अलग लड़ रही है 2 लोगों की नाक की लड़ाई में, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है और बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा गेन है।
अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मैं दो चीजें बोलूंगी, यहाँ पर हड़प कर सरकार चलाने वालों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे ये तो गजब ही हो गया, मतलब इससे बड़ी विडंबना और आयरनी क्या होगी जो आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में पार्टी तोड़ तोड़ कर हड़प कर सरकारें चला रहे हैं, वो हड़प कर सरकार चलाने की बात करेंगे। खैर छोड़िए उस बात को, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जहां तक बहन मायावती जी की बात है, मुझे लगता है कि हम सब उनका सम्मान करते हैं और आशा थी कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, आशा थी कि वो समझेंगी कि इस समय लड़ाई क्या है। ये लड़ाई संविधान की है, ये बाबा साहब के संविधान की है, ये लड़ाई शोषित वंचित दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्ग की लड़ाई है जिनको दरकिनार किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। वो समझेंगी कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है बड़े बड़े फंक्शन में तो ये अवमानना है उस समाज की। लेकिन मायावती जी ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया ये वो ही बता सकती हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेरा अपना मानना यह है कि आज की जरूरत है एक साथ खड़े होकर मजबूती से मुस्तैदी से उन ताकतों से लड़ना जो संविधान पर लगातार हमला कर रही है। मैं एक छोटी सी बात कहकर आप आगे जा सकती हैं। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी वो कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मणिपुर से शुरू करी। वो पिछले 6 महीने में 2 बार मणिपुर हुआ है, मणिपुर 8 महीने से जल रहा है, वहां की बेटियां वहां की औरतें वहां की माएं आंसू से रोती हैं और पूछती हैं कहां है इस देश का प्रधानमंत्री, क्या उनको हमारी फिक्र नहीं है, क्या वो आना नहीं चाहते, क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है। आज राम राज्य की परिकल्पना पर मोदी जी चर्चा कर रहे थे, क्या है राम राज्य कि एक प्रदेश को आप उसके हाल पर छोड़ दीजिए, एक ऐसे मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए जिससे जनता का विश्वास उठ चुका है। 8,000 के 2-2 प्लेन है मोदी जी के पास, लेकिन एक बार मौका नहीं मिला कि 8 महीने में एक बार मणिपुर चले जाए। 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके मोदी जी, 80 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने इस दौरान में कर दी, मोदी जी ने एक नहीं करी, क्योंकि आप लोगों के सवालों से डरते हैं जो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? 8 महीने में 1 मिनट का टाइम नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको कोई दलील देते हुए, यहाँ पर स्वीकारना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, पाप हुआ है आपसे। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, ये विश्वास प्रधानमंत्री को मणिपुर जाकर दिलाना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।